नमस्कार दोस्तों, कलाकर्म एक विचित्र अनुवाद है और इसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही, इस प्रकार का कहना था सैयद हैदर रजा, जो कि लेखक हैं आत्मा का ताप नामक पाठ से। तो उनका जन्म 1922 ईस्वी में बावरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। बावरिया गांव मध्य प्रदेश में 1922 ईस्वी में उनका जन्म। वहीं सम्मान की बात करें तो उन्हें ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये सम्मान मिला था इन्हें। और उनकी जो मृत्यु है 2016 ईस्वी में हो चुकी थी। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। अब भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहीं पर अध्ययन किया। वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। किसने? सैयद हैदर रजा। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सूजा। इनके साथ साथ सैयद हैदर रजा का भी नाम अगली पंक्ति में आता है, अर्थात सैयद हैदर रजा का नाम जो प्रसिद्ध है, वह कह सकते हैं कि उन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने और नया और आधुनिक मुहावरा दिया, अर्थात चित्रकला के क्षेत्र में कह सकते हैं इनकी अत्यधिक रुचि थी। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, कह सकते हैं घूमने वाले रहे, लेकिन उनका केंद्र था क्या? भारत ही रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए थे। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं, अर्थात कह सकते हैं इन्होंने अपनी पहचान जो है सिर्फ भारत में ही बनाई। विदेश में पढ़ाई की, लेकिन अन्य जो उनके साथी थे जो कि कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, जिनमें के सूजा और रजा दो और भी व्यक्ति थे, तो वो तो विदेशों में जाके बस गए, लेकिन इन्होंने अपनी जो छवि है कह सकते हैं भारत में ही बनाई। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियों बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है। कह सकते हैं कि भारतीय जो परंपराएं हैं इनके केंद्र बिंदु हैं। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया, अर्थात जो उनकी कला के क्षेत्र का केंद्र बिंदु जो बना कला, तो यह जो बना किसके प्रति? भारतीय परंपरा के प्रति। तो इसका श्रेय उनके एक स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे, नंदलाल झरिया, उनको जाता है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और आध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया, काफ़ी प्रशंसा की गई। रोडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोल्डबेयर, गीति सेन, जैक लासें, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। और यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथनात्मक पुस्तक आत्मा का ताप उनकी खुद की स्वयं की आत्मकथा है, आत्मा का ताप। तो इसका एक अध्याय या इसका एक चैप्टर कह सकते हैं यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है। इनका अंग्रेजी से हिंदी
अनुवाद किया मधु बी जोशी ने, और यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है कि उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रारंभ में संघर्ष किए थे और किस प्रकार से उन्होंने सफलता को हासिल किया था। तो आई होप कि आप भी इनके संघर्षों से खुद भी प्रेरित हो सकेंगे, और एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। बात करते हैं, चलते हैं पाठ पे, आत्मा का ताप क्या है। आत्मा का ताप अर्थात सैयद हैदर रजा, इनकी अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी, और इसका एक चैप्टर जिसमें कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आत्मा का ताप नामक आत्मकथा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सैयद हैदर रजा के जो चित्रकला के क्षेत्र में जो भी संघर्ष हुए हैं, और कह सकते हैं उन्होंने उन संघर्षों का सामना करते हुए जो भी सफलताएं अर्जित की चित्रकला के क्षेत्र में, तो उन सभी का यहाँ पर क्या है एक छोटा सा वर्णन किया है उन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से। चलते हैं पाठ पे कि नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा प्रथम में आया था, जब वे नागपुर स्कूल में पढ़ते थे, नागपुर महाराष्ट्र में पढ़ता है। तो जब कक्षा में प्रथम आया था, कौन सी कक्षा में, परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया, और 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी, और इसमें मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया की बात करेंगे तो गोंदिया क्या है, गोंदिया है एक महाराष्ट्र में स्थित एक जगह का नाम है गोंदिया। तो इसमें ड्राइंग का अध्यापक बन गया था मैं, अर्थात नौकरी की तलाश में वे एक मास्टर बने सबसे पहले। तो कहाँ पर बने, गोंदिया में सबसे पहले, और महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। तो यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती, ये भी महाराष्ट्र का ही एक महाराष्ट्र की एक जगह है अमरावती, तो इसके गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया, और जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। अब क्या था, उधर तो उन्होंने इस स्कूल से त्यागपत्र दे दिया था, और वहीं जो जे स्कूल जो दाखिला या एडमिशन चल रहे थे, तो उनका जो एडमिशन था उस समय बंद हो चुका था जब तक वो पहुँचे थे, और दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता, अर्थात वो लेट पहुँचे थे। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, सरकार ने मुझे अकोला, ये भी महाराष्ट्र का एक स्थान है, तो इसमें ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। अब वहाँ क्या, मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूँगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए, और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। तो वहाँ पर नौकरी की तो कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी सिर्फ हुनर की। तो उन्हें एक डिजाइनर की नौकरी मिली उसके बाद। तो यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर स्थित था, क्योंकि मुंबई का एक रोड है फिरोज शाह मेहता रोड, उस पर एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक थे श्री जलील और मैनेजर थे श्री हुसैन, तो उन्होंने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया एक साल में। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता, और फिर जैकब सर्कल जहां
भाई के परिचित के एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी, वहाँ जाता। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता और यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल सात रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे में कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकती, यह हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे और मेरी तो अक्ल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता था और मुझे रात 11 बजे तक गलियों के चित्र और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की बात की तो उनके चचेरे भाई के छठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उनका एक चचेरा भाई था, चाचा का भाई, तो वहाँ छठी मंजिल पर एक फ्लैट का एक कमरा देने की बात की। तब क्या हुआ, उसमें दो पलंग पड़े थे और उनकी योजना यह थी क्या कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जैकब सर्कल का सात रास्ते वाला घर, अर्थात जहाँ से सात रास्ते में होकर उन्हें गुजरना पड़ता था, और उसका गलीज वातावरण, अर्थात शोर शराबे से भरा वातावरण कह सकते हैं, उसको छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। और इसका परिणाम या नतीजा यह निकला कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। 1948 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट्स, जो कि आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, एक सोसाइटी संस्था होती है, तो उनका स्वर्ण पदक भी एक कह सकते हैं उन्हें ही मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम उम्र का कलाकार था। जिस सम्मान को उन्होंने पाया था, कब पाया, 1948 ईस्वी में, तो वे सबसे कम उम्र के थे उस समय। और 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रोडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की, प्रशंसा की थी। उनका पहला वाक्य था कि मुझे आज भी याद है, क्या था कि इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, HS रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुहावने हैं, उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष या चतुरता कह सकते हैं प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए उस समय, और एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंग हैमर से भेंट हुई तो उन्होंने मुझे क्या जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रतजा, अर्थात रजा साहब मुझे आपका काम पसंद आया। कौन सी लैंग्वेज,
जर्मन उच्चारण वाले अंग्रेजी, जर्मन इंग्लिश जिसे बोलते हैं। तो रोडोल्फ वन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना में, वियना के एक कला संग्राहक एम्मेनुएल स्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने और यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली। प्रोफेसर लैंगहेमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया और वे द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि लंदन से प्रकाशित होने वाला उस समय अखबार हुआ करता था, तो उसमें आर्ट डायरेक्टर थे। उस समय कौन थे? प्रोफेसर लैंगहेमर। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता और शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया, मेरे चित्र खरीदने लगे लोग और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 ईस्वी में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया, अर्थात कह सकते हैं दिल्ली का छात्र, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना ही अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था, क्योंकि जब चित्रों से बेचने से जो कमाई होती थी उससे उनका गुजर बसर चल जाता था। भले ही 1947-48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, लेकिन मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया और पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 ईस्वी में भी नहीं रहे, अर्थात 1948 ईस्वी में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी, इसके बाद भारत, बावजूद भी भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी, पर जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। मैं 25 बरस का था, लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों, अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने और बढ़िया काम करने में मैं जुट गया। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, क्रूर घटनाएं थीं। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की भी मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी, तो हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उनसे उभर कर काम में जुट गए थे। 1948 ईस्वी में मैं श्रीनगर गया और वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कवायली आक्रमण हुआ और तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहाँ से वहाँ जा रहा था, तो स्थानीय कमिश्नरियों के बीच मुझे पैंटधारी सहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आई हो, क्या नाम है? नाम क्या है? तो मैंने बता दिया कि मैं राजा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई तो उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इस यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा इनसे हुई। कहाँ से थे? फ्रेंच से, जो कि प्रख्यात या प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह ही बनाया जाता है,
आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांस से मैं दाखिला लिया, एडमिशन लिया। तो फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या हुई, अर्थात वे और भी समझना चाहते थे। तो 1950 ईस्वी में गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा कि तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो। तो मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों के चित्रण पर अधिकार है, फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा, वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातीस, सागाल और ब्रॉक, तो पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सी पहुंचा। यूँ पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी, कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। अब क्या हुआ कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला के व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। चित्रकला क्या है? व्यवसाय नहीं है, एक अंतरात्मा की पुकार है, भीतरी आत्मा की पुकार है, ऐसे कह सकते हैं। और इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन लगी कि वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई और मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो था, जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, उनका किस्सा याद है आज भी, कि मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। तब मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, गलतियाँ हैं, कि यह बहुत गजब सी बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवद गीता कहती है कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है, और बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है। मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था, और कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था। मुझे आजीविका कमानी थी, रुपए पैसे कमाने थे, और मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व तो होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है, और कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के ना रहने और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी थी उस समय। तो आई होप दोस्तों आपको पाठ पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और जान लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है कि राजा ने अकोला में
ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? राजा ने सबसे पहले कहा अकोला में, ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? दूसरा क्वेश्चन है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए राजा ने क्या क्या संघर्ष किए? तीसरा है, भले ही 1947-48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, लेकिन मेरे लिए वे कठिन बरस थे, राजा ने ऐसा क्यों कहा? तो वे कठिन बरस थे क्योंकि उस समय 1947 में देश का बंटवारा, विभाजन, वहीं उनकी माता की मृत्यु, उसमें उसके बाद उनके पिताजी का घर से घर लौट जाना और उसके बाद उनके पिताजी का भी निधन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिक पाता है। किसने किसके संदर्भ में कहा, लास्ट में कहा था ना, किसने किस संदर्भ में यह बात कही थी? नेक्स्ट है, राजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता तो क्या तब तक वे एक जाने माने चित्रकार होते? है ना, तर्क सहित लिखना है। नेक्स्ट है, चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लगता था कि पहाड़ हिला सकते हैं, अब किन क्षणों में सोचते हैं ऐसा सोचते हैं? अर्थात आप कुछ भी कर सकते हैं, कब सोचते हैं आप ऐसा? अपने मन से लिखना है। वहीं राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनकी एक एल्बम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। तो नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से इसी प्रकार से लिखना है जैसे इस वाक्य को लिखा गया, इस प्रकार से कि जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी, अर्थात मेरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आत्मा का ताप पाठ में कई ऐसे शब्द आए हैं औ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऑफ, ब्लॉक, नॉर्मल। तो नीचे दिए गए शब्दों में यदि औ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा? जैसे हाल है, हाल, मान लो हाल, हाल में क्या होता है, स्थिति, स्थिति से रूबरू होना, हाल में क्या है, स्थिति। वहीं हॉल हो जाएगा, हॉल हो जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर हॉल हो जाएगा क्या लगेगा, ओ, अगर हॉल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बरामदा, कमरा। तो स्थिति क्या है, काफ़ी बदल जाएगी, उनके अर्थ भी बदल जाएंगे। इस प्रकार से काफ़ी और कॉफ़ी, तो कॉफ़ी क्या है, पीने वाली होती है, वहीं काफ़ी क्या है, बहुत होता है। ऐसे ही बाल, बाल मिस बचपन, उसी प्रकार से बॉल मिस गेंद, उसी प्रकार से बॉल मिस गेंद। तो इन सभी के अर्थ क्या है, बदल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने बुक भी डाउनलोड नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पुस्तक को डाउनलोड करें, अपनी जो भी आपकी पुस्तक है, आरोह है ना, क्लास 11, सारी पुस्तकों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से पुस्तक डाउनलोड करके आप क्वेश्चन आंसर्स इस पाठ में से छांट के आप लिख सकते हैं और पाठ को दोबारा से पढ़ के अच्छी प्रकार से और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।